हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे आपके इन चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह YT म्यूजिक में प्लेलिस्ट बना सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होने वाला है गाना सुनने में, जैसे कि सैड रिलेटेड सॉन्ग हो, रोमांटिक सॉन्ग हो, डांस, डिस्को, पार्टी, इसी तरह कोई भी रिलेटेड सॉन्ग का आप प्लेलिस्ट बनाकर रख सकते हैं। जब भी आप जिस रिलेटेड सॉन्ग आप सुनने चाहते हैं तो आप इजिली सुन सकते हैं, तो आप इजीली कोई भी सॉन्ग आप इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको YT म्यूजिक ओपन कर लेना है। तो इस तरह ओपन करने के बाद आपको लाइब्रेरी में चला जाना है। जैसे आप लाइब्रेरी में चला जाते हैं तो देखिए ऊपर आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट पर आपको इस तरह क्लिक करना है। तो देखिए मैंने पहले से बहुत सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा था, तो आप चाहे एक नया प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो आपके हिसाब से कोई भी प्लेलिस्ट आप बना सकते हैं। तो नया प्लेलिस्ट बनाने के लिए आपको देखिए ऊपर न्यू प्लेलिस्ट, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद तो आप चाहे कोई भी प्लेलिस्ट का नेम आप दे सकते हैं। तो इस तरह देने के बाद देखिए क्रिएट, तो मैंने अभी रोमांटिक दिया तो इसमें क्रिएट आ रहा है नीचे। तो क्रिएट में जैसे क्लिक करेंगे देखिए अभी रोमांटिक प्लेलिस्ट अभी बन गया है। तो आप सा इसमें कोई भी जैसे कि रोमांटिक जितना सारे सॉन्ग है तो आप सा इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी सॉन्ग अगर ऐड करना है तो आप किस तरह ऐड कर सकते हैं, देखिए रोमांटिक, रोमांटिक में मैं अभी रोमांटिक सॉन्ग में ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे आप रोमांटिक में जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर ऐड सॉन्ग, ऐड ए सॉन्ग, ठीक है, इसमें आपको इस तरह क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए कोई भी सॉन्ग जैसे कि तो आप चाहे सर्च कर सकते हैं। तो ये वाला मैंने सर्च किया, देखिए सर्च करने के बाद तो देख ले ये वाला गाना मैंने अभी रोमांटिक में ऐड करने वाला हूँ। तो जो कोई भी गाना आपको अच्छा लगता है तो आप चाहे ऐड करना चाहते हैं तो आप देख लिए, तो आप देख रहे थ्री डॉट, तो थ्री डॉट पर आपको इस तरह क्लिक करना है। तो इस तरह क्लिक करने के बाद आप देख रही है एड टू प्लेलिस्ट, तो आपको उसमें क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए जितना सारा आपने प्लेलिस्ट बनाकर रखा है तो सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो मैं रोमांटिक में इसमें डालने वाला हूँ। जैसे रोमांटिक में क्लिक किया देखिए ये वाला सॉन्ग्स रोमांटिक में ऐड हो गया है। तो इसी तरह और चाहे कोई भी सॉन्ग आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से और एक दिखाने वाला हूँ, जैसे कि थ्री डॉट में जैसे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ऐड टू प्लेलिस्ट क्लिक किया तो मैं अभी म्यूजिक में मैं इसको ऐड करा। तो इसी तरह आप चाहे जिस रिलेटेड सॉन्ग है तो आप तो उसी रिलेटेड आप प्लेलिस्ट बनाकर प्लेलिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और आसानी से आप कोई भी गाना आप इजीली आप सुन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे आपको इस वीडियो को लाइक करें और इन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।